सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं तो मेरे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबा दीजिएगा। आज मैं लेके आया आपके लिए मैकलोडगंज धर्मशाला में बहुत ही ब्यूटीफुल गेस्ट हाउस जो कि है ग्रीन व्यू गेस्ट हाउस। तो चलते हैं, आपको मिलवाता हूँ मैं इनके ओनर से। ओनर से मेरी बात हो चुकी है वैसे, वो बहुत ही अच्छे हैं, तो आपको मिलवाते हैं सीधा ओनर। ये एंट्रेंस है इनकी, रिसेप्शन, और यहाँ पे अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो गूगल पे से सब हो जाएगा। और ये है यहाँ पे ओनर। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया। ठीक है सर, तो सर आपका नाम क्या है पहले तो आप ये बता दीजिए। शैलेंद्र सोहता। ठीक है जी, और आप कहाँ से हैं? बेसिकली मैं मैकलोडगंज से ही हूँ। ठीक है जी, और ये जैसे आप ग्रीन व्यू होम से चला रहे हैं तो ये कब से चल रहा है? एक्चुअली इसे रन कर रहे हैं हम 2006 से। ओके ओके, और आजकल टूरिस्ट का आना जाना कैसे है? कोविड 19 का आपको पता ही है। हल्का सा टूरिस्ट राइज हुआ है, लगभग 25-50% ऑक्यूपेंसी के साथ। अभी फुल तो नहीं कह सकते बट 25-50% ऑक्यूपेंसी है हमारे। ठीक है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके पास मीटर भी है जहाँ पे टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं, और सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है इन्होंने। और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। और अब जानते हैं इनसे प्राइसेस, यहाँ के जो रूम्स हैं इनके पास सुपीरियर डीलक्स है और डीलक्स है, एक बजट रूम भी है जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, जो कि यहाँ पे राइड करना चाहते हैं अगर आप फ्री टाइम है आपके पास तो यहाँ पे आ सकते हैं आप। तो सर आपके पास किस किस टाइप के रूम्स हैं? हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है हमारे पास बजट है, दूसरी कैटेगरी हमारे पास डिलक्स है, तीसरी कैटेगरी हमारे पास सुपर डिलक्स है। जो हमारा बजट रूम है वो नॉर्मल रूम्स हैं जिसमें अटैच बाथरूम है और एक बड़ा सा रूम है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास डिलक्स है, वो थोड़ा सा उससे अपग्रेड किया हुआ है जिसमें आपको सेपरेट बालकनी मिलती है, वो थोड़ा सा एडिशनल पार्ट है। और थर्ड पार्ट हमारा रहेगा सुपर डिलक्स, जिसमें आपको एक बड़ी सी बालकनी के साथ फुल माउंटेन व्यू के साथ आपको वो रूम प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी, ओके। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको इनके रूम्स कैसे कैसे हैं और बालकनी से व्यू कैसा आ रहा है और फैसिलिटीज यहाँ पे क्या क्या मिल जाती हैं। तो सर आपसे मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे पेमेंट वगैरह हमने करनी है तो ऑनलाइन आपका कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आपका जैसे होटल मेंशन है? जी, आप ऑनलाइन में बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप कार्ड स्वाइप कर सकते हैं, आप गूगल पे कर सकते हैं, ये ऑप्शंस आपके पास हैं। और जैसे आपका जैसे ग्रीन व्यू होम स्टे है जी, तो ये कौन कौन सी वेबसाइट पे अवेलेबल है कि हमने जैसे ऑनलाइन बुकिंग करनी है? आप इसको अगोडा में देख सकते हैं, आप इसको booking.com पे ले सकते हैं, मेक माई ट्रिप पे, गोवा वीवो पे, और गूगल सर्च करें तो मैक्सिमम साइट्स पे हम लोग बैठे होंगे। और अभी जानते हैं इनसे यहाँ की लोकेशन, क्योंकि मैं भी गूगल मैप्स के थ्रू ही आया हूँ, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे नियर बाय कुछ फेमस वगैरह प्लेसेस कौन कौन सी हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे जो तिब्बतियन स्कूल है वो बहुत ही फेमस है, जो कि योंगलिंग स्कूल के नाम से फेमस है। यहाँ पे फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अदर स्टेट्स लोग यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। यहाँ पे तिब्बतियन समुदाय का स्कूल है जो योंगलिंग स्कूल के नाम से फेमस है, हम बिल्कुल उसके नेक्स्ट बैठे हुए हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे जैसे खाना वगैरह आप प्रोवाइड करवाते हैं जी, तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जी, तो उनका कैसे आप यहाँ पे कुक होता है या फिर आप ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, कैसे करते हैं आप? एक्चुअली हमारे पास अपनी किचन है, हम वहीं से सब कुछ सर्व करते हैं, लेकिन आजकल ड्यू टू कोविड हमने किचन अपनी बंद कर रखी है और हम अभी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो बाहर से खाना लाते हैं। जो कोई ऑर्डर होता है, अगर कस्टमर नहीं जा सकता है तो उसे बाहर से मंगवा कर हम रूम सर्व करते हैं। ठीक है जी, तो अभी हम देखते हैं इनके रूम्स, बजट रूम जैसे कि इन्होंने बताया हमें, बजट रूम है, डीलक्स रूम है और एक सुपीरियर माउंटेन व्यू है। और चलो तो हम देखते हैं इनके रूम्स।